सबकॉन्शियस माइंड हम लोग सुनते आते हैं, ये हमारी जो सेवन बॉडीज जो लेयर्स होती है उस वो किस में रहती है सबकॉन्शियस माइंड? जहां हमारा माइंड है, जहां हमारा माइंड है, अब बताओ माइंड कब तक आएगा? माइंड तब तक आएगा जब तक कि कॉजल बॉडी नहीं आएगी। जब तक कॉजल बॉडी नहीं है, जब तक कॉजल बॉडी नहीं है तब तक माइंड है। अभी आप लोग जिंदा हो, सबके पास माइंड है, अभी भी माइंड है ना। तो माइंड, माइंड और आत्मा ये बहुत करीब करीब है। कैसे करीब है? क्योंकि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। आत्मा दुरात्मा भी हो सकती है, आत्मा अच्छा भी हो सकता है। मैं यहाँ जीवात्मा की बात कर रही हूँ, हालांकि आत्मा का तो कोई लक्षण नहीं है, आत्मा तो आत्मा है। लेकिन जब तक मन तुम्हें वहां तक नहीं लेके जाता, अपने रूप का दर्शन नहीं कराता, तब तक माइंड रहता है। तो यानी फिजिकल बॉडी में इज माइंड देयर, देन द कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी माइंड इज देयर, देन द मेंटल बॉडी माइंड इज देयर, कर्म कर रहे हो मन के अनुसार करते हो, देन द मन इज देयर इन द एवरीबॉडी इज मन इज देयर, कारण शरीर में जाके मन इज नॉट देयर। गॉट इट? तो जितना भी ये चार्ट है इसमें कर दो, ये सब मन के अनुरूप। अब अवचेतन मन, अवचेतन मन, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड इज अ माइंड जो इस वक्त भी आपके संग काम कर रहा है, बेसिकली वही ह्यूमन बॉडी को चला रहा होता है। अगर मैं ऊपर से नीचे कर रही हूँ तो ये वाला हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और जो नीचे यहाँ पे एक्ट कर रहा है ह्यूमन फॉर्म में, ये सब कॉन्शियस माइंड को वही कमांड करता है। मैंने प्रीति को बोला आप अपनी कमांड को करेक्ट कर लो, क्योंकि ये कमांड दी जाती है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कुछ भी, तो बार बार बोलने से सब कॉन्शियस में यही मैसेज जा रहा है, तो वही मैसेज जा रहा है। तो फिजिकल रियलिटी में अगर आपको एक्सपीरियंस होना है तो भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अपनी कमांड्स को देखो, अपने आप को देखो, आपका सब कॉन्शियस को आपने किस तरह से बोला है, किस तरह से फीड किया है। कई लोग बोलेंगे हम झूठ नहीं बोलना चाहते, झूठ नहीं बोलना चाहते, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, चाहते नहीं है, दुखी भी होते हैं, गिल्ट में भी आते हैं, हमें नहीं बोलना झूठ, हमें नहीं बोलना, फिर भी बोल जाते हैं। क्यों बोल जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर नहीं किया और वो उस बंदे को चला रहा है, तो वो झूठ बोलते चले जाते हैं। अब उन्हें ठीक होने के लिए क्या करना है? मैं सदा सत्य का पालन करूंगा, मैं सदा सच बोलूंगा। ये बोलते बोलते जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, वो फिजिकल लेवल पे सच बोलने लगेगा। Are you getting my point? Causal body is a body, जो मैंने क्या बोला था, बनती ही नहीं है आराम से, क्योंकि ये कारण जगत है, ये कारण जगत है, और कारण का प्रभाव पड़ता है निचले शरीरों पे। कहते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट, जो हम जो लॉस की बात करते हैं JTPP में, मैं को हर बार स्पिरिचुअल फॉर्मूलाज या पिरामिड के बारे में, सो दीज आर द लॉज।